वेलकम फ्रेंड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम पजल का सेट करेंगे, इस तरह की पजल जो कि प्री लेवल एग्जाम में पूछी जाती है। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे 8 पर्सन जिसके नाम है ए बी सी डी ई एंड एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन ए रो। 4 आर फेसिंग नॉर्थ वाइल 4 आर फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इसमें बताया गया कि 8 फ्रेंड हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, उनमें 4 पर्सन है जो कि नॉर्थ साइड फेस है और 4 पर्सन है उनके साउथ साइड फेस किया है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम 8 पर्सन सेट करेंगे और इसी तरह हम करने के बाद आगे देखेंगे इस कंडीशन नोट डाउन करेंगे। सी सिट थल टू द लेफ्ट ऑफ एफ, वो सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एफ के थर्ड लेफ्ट में सी है और एफ जो कि किसे एंड में है। इसी तरह आगे देखें, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में 1 पर्सन का गैप है। इसी तरह आगे देखते हैं, बी सिट सेकंड ऑन द राइट ऑफ द वन वो सिट सेकंड ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। बी उस पर्सन के सेकंड राइट में है और जिस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में डी है। इसी तरह से आगे देखेंगे, इस तरह हम कंडीशन बनाएंगे और बी उस पर्सन के सेकंड राइट में है जिस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में डी है, और इस तरह उस कंडीशन में कहना चाहता है। इसी तरह आगे देखेंगे, ए सिट थल टू द राइट ऑफ जी, जी वो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जी के थर्ड राइट में 1 2 ए और जी और सी एक दूसरे के इमीडिएट हैं। इसी तरह आगे देखें, जी इज फेसिंग नॉर्थ साइड, जी जो कि उनका फेस नॉर्थ साइड है। इसी तरह लिखने के बाद आगे देखेंगे, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी और ए जो कि एक दूसरे के इमीडिएट नेबर में नहीं है। इसी तरह आगे देखें, सी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ए, सी का फेस जो कि एफ एंड ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह हम आगे देखें, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में 1 2 एच है। इसी तरह आगे देखेंगे, ई इज फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ जी बट ऑपोजिट टू द एच, ई और जी का फेस जो कि सेम डायरेक्शन है जो कि एच के ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसी तरह कंडीशन नोट होने के बाद आगे देखते हैं इसकी, इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक कंडीशन दी गई जैसे कि एफ जो कि एंड रो में है और एफ थर्ड लेफ्ट में सी है। सबसे पहले हम एफ बनाएंगे इस रो पर और इसका फेस साउथ साइड करेंगे, ताकि 1 2 सी और लेफ्ट में होगा। इसी तरह हम एफ इस कंडीशन में एंड पर रखेंगे और इसका फेस नॉर्थ साइड कराएंगे, इसमें थर्ड लेफ्ट 1 2 सी होगा। और इसी में एक कंडीशन बोली थी कि सी और जी एक दूसरे के इमीडिएट है और जी का फेस जो कि नॉर्थ साइड है और जी के थर्ड राइट में ए है। अगर मैं मान लूँ इस कंडीशन में जी रखते हैं 1 2, अगर हम ए को सेट नहीं कर सकते इसीलिए जी के इस कंडीशन है जी जिनका फेस नॉर्थ साइड है और 1 2 जो कि ए पर्सन होगा। इसी तरह हम आगे इस कंडीशन में सेट करेंगे, अगर इसी के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक बार सी को इसे इमीडिएट रखेंगे और एक बार इसी को इमीडिएट। सबसे पहले हम इस बार रखेंगे और इसके थर्ड राइट में 1 2 ए होगा और जी का फेस जो नॉर्थ साइड है। इसी तरह हम इस कंडीशन आगे देखते हैं और इसने बोला था कंडीशन बी उस पर्सन के सेकंड राइट में है जिस पर्सन के डी सेकंड लेफ्ट में है। और इस कंडीशन को देखें कि किस तरह हम इसको कंडीशन को सेट करेंगे। अगर इस कंडीशन को जो हमने कंडीशन नोट की है, इस कंडीशन को हम देखें किस तरह सेट करेंगे। सबसे पहले हम इस कंडीशन को, अगर मैं इस कंडीशन में इस साइड रखूँ, इसमें हम सेकंड लेफ्ट में तो डी सेट कर सकते हैं के, पर सेकंड राइट में हम बी को सेट नहीं कर सकते। अगर मैं इस जी को कंडीशन में नोट करूँ, अगर जी कंडीशन में इस को नोट सेट करें तो इसके सेकंड राइट में 1 2 बी होगा और इसी की ही सेकंड राइट में जो कि डी होगा, और इसी तरह सेट करेंगे और डी और बी की कंडीशन सेट नहीं। अगर बी इस साइड भी हो सकता और बी डी ई एस साइड भी हो सकता, और इसी आगे कंडीशन में हम इसमें ही हम सेट करेंगे। इसीलिए इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर मैं इस कंडीशन में इस सी पर सेट करूँ, इसका फेस नॉर्थ साइड कराऊँ, इसके सेकंड लेफ्ट में बी है और इसी की ही सेकंड लेफ्ट में डी है। इसी तरह हम इस कंडीशन को सेट करेंगे डी और इसी कंडीशन में सेट करेंगे एक छोड़कर जो कि बी होगा। तो बी के इसी तरह लिखने के बाद हम इसकी कंडीशन पॉसिबल सेट नहीं है कि हम डी और बी के इसी कंडीशन में सेट हो। इसी तरह आगे देखेंगे और इसने बोला था कंडीशन बी के थर्ड राइट में एच है। अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं और इस कंडीशन में देखते हैं बी के थर्ड राइट में 1 2
थर्ड राइट में हम एच सेट कर सकते हैं। अगर मैं बी को इस कंडीशन में रखूं, बी के थर्ड राइट में 1 2, हम बी को सेट नहीं कर सकते, इसलिए बी की सिर्फ पॉसिबिलिटी से जो कि हमने लिखे कि बी के लिए सिर्फ यही कंडीशन सही है, बी और डी, बी के थर्ड राइट में, और इनका फेस साउथ साइड होगा 1 2, और एच नोट किया है। और इसी के साथ हम इसमें देखेंगे, उसे मैं बोला था बी के थर्ड राइट में, अगर मैं इस कंडीशन में बी इस साइड पर रखूँ 1 2, हम एच को सेट नहीं कर सके, सिर्फ इसी कंडीशन को सेट करेंगे, इसका फेस साउथ साइड होगा 1 2 3, और एच होगा। और इसी तरह आगे देखेंगे कंडीशन नोट होने के बाद, और इसमें क्या था ई और एच में सिर्फ एक पर्सन का गैप है, और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिर्फ एक पर्सन का गैप है जो कि ई एंड पर होगा, और इसी में देखेंगे हम इस कंडीशन में हम एच को सेट नहीं कर सके, एच और ई को सेट नहीं कर सकते, ई की जो कि एक पर्सन का छोड़ गई, इसी की हमारी गलत पॉसिबिलिटी गलत होगी। और जो हमने सी के इमीडिएट जो कि हमें जी रखा था इस साइड ने होप हम इस साइड सेट करेंगे, और हम इस साइड सेट करेंगे, इनका फेस जो कि नॉर्थ साइड होगा, इनके थर्ड लेफ्ट 1 2, एंड ए पर्सन, और इसी तरह रखने के बाद हो हम इस कंडीशन को सेट करेंगे। और इसी तरह कंडीशन सेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इस कंडीशन को कैसे सेट करें। अगर मैं इस कंडीशन को रखूँ हम थर्ड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में हम डी को सेट करना है, डी को सेट होगा, और इसके सेकंड राइट में बी हमें सेट नहीं होगा। अगर इस कंडीशन में सी के लिए हम सेट करें, इसके सेकंड लेफ्ट में हम डी को सेट कर पाएंगे बट हम बी को सेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस कंडीशन में रखता हूँ इस कंडीशन को, इसके सेकंड लेफ्ट में डी को हम सेट नहीं कर पाएंगे, ना ही हम बी को सिर्फ सेट कर पाएंगे, इसीलिए इस पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जो कि ए ट्रू होगी। और इसी के साथ हम आगे इसको साइन को सेट करेंगे, और इसने बोला था ई और जी फेस सेम डायरेक्शन पर एच के ऑपोजिट है। सबसे पहले हम जी का फेस जो कि नॉर्थ साइड है, इसी साथ हम ई का फेस भी नॉर्थ साइड करेंगे, और इसे बोला था इन दोनों का फेस जो कि ऑपोजिट है, अगर एच का फेस साउथ साइड होगा तभी तो इनका फेस नॉर्थ साइड होगा। इसी तरह लिखने के बाद हम टोटल देखें कितने पर्सन हो गए, 1 2 3, जो 3 फेस नॉर्थ साइड किया, और सिर्फ एक पर्सन है जिन्होंने किया है सबसे पहले, और इसमें लिखने के बाद, और इसने बोला था एफ और ए का फेस सी की ऑपोजिट डायरेक्शन है। सबसे पहले हम सी का फेस, अगर एफ का फेस नॉर्थ साइड और सी का फेस जो कि साउथ साइड होगा, और इसने बोला था एफ और ए का फेस जो कि नॉर्थ साइड होगा। इसी तरह हम आगे देखेंगे 1 2 3 4, 4 पर्सन है जिनका फेस नॉर्थ साइड किया, इसी तरह जो कि डी का फेस साउथ साइड होगा। इसी तरह ये पजल हमारी सोल्व होगी।